अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो यूबीएल बैंक से रिलेटेड है। यूबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत पुराना बैंक, हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांच बआसानी अवेलेबल मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। रिसेंटली यूबीएल बैंक ने जो है अपना मुनाफा रेट जो है वो तब्दील किया, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब। आज की वीडियो बेसिकली हमारी यूबीएल जिंदगी अकाउंट से रिलेटेड है, तो यूबीएल जिंदगी अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। यूबीएल जिंदगी अकाउंट का जो मुनाफा है वो आपको हर महीने मिल रहा होता है, ठीक है, मतलब आप इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या हो जाएगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर को नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ठीक है, ये भी वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब यूबीएल जिंदगी अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, मतलब अगर आप ब्रांच जाते हैं यूबीएल जिंदगी अकाउंट खुलवाने के लिए तो किस तरह आपका अकाउंट खुलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तमाम चीज़ें अकाउंट खुलवाने से रिलेटेड, ताकि आप जब ब्रांच जाएं तो आपको ब्रांच का बार बार विजिट ना करना पड़े, एक दफ़ा आप ब्रांच जाएँ और विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो है वो अकाउंट खुल जाए। सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो जनाब ज़कात से बचने का तरीका भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब यूबीएल जिंदगी अकाउंट, और देखते हैं यूबीएल बैंक ने अपने इस अकाउंट से रिलेटेड अपनी वेबसाइट पे अपने कस्टमर के लिए क्या गाइडलाइंस दी है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब, यूबीएल जिंदगी अकाउंट इज अ यूनिक मंथली सेविंग अकाउंट, एक यूनिक मंथली सेविंग अकाउंट है जिसका मुनाफा आपको हर महीने मिलता है, ऑफरिंग कंपेटिटिव हाई यील्ड सेविंग रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन सेगमेंट 8-60 ईयर्स एंड अबव, ठीक है, एक अच्छा खासा प्रॉफिटेड आपको इसमें मिलेगा उन लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, सो दैट देयर फाइनेंशियल नीड्स आर मेट विथ ईजी, ठीक है, ताकि उनकी जो ज़रूरियात है, फाइनेंशियली ज़रूरत है, जो डेली की ज़रूरत है, प्रॉफिट का मसला, इनकम का मसला है, वो हल हो सके। एलिजिबिलिटी की बात कर लें जनाब, ऑल इंडिविजुअल सिंगल्स ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स ऑफ एज 60 एंड अबव आर एलिजिबल फॉर द स्कीम, ठीक है, जो शख्स 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो ये अकाउंट खुलवा सकता है। अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने तो एक शख्स का जो है उसकी उम्र 60 साल ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब प्राइमरी जो कस्टमर होगा उसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा, तीसरा, चौथा कस्टमर जो है वो 18 साल, 20 साल, 22 साल, जिसके बाद शनाख्ती कार्ड है, वो ये अकाउंट खुलवा सकता है। मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपये से ये अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम की क्या लिमिट है जनाब, मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब आप अकाउंट में 1 रुपये भी रख सकते हैं और 100 करोड़ भी रख सकते हैं, ठीक है। की फीचर्स की बात करते हैं जनाब, की फीचर्स में जनाब हाई रेट ऑफ रिटर्न, अच्छा खासा मुनाफा आपको इस पे मिल रहा है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, मंथली प्रॉफिट पे आउट, हर महीने की पहली तारीख को आपको इसका मुनाफा मिल जाएगा, कंप्लीट ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, हर टाइप्स की ट्रांजैक्शन जो है कर सकते हैं इस पे, ठीक है। फ्री चेकबुक ऑफ 25 लीव्स, 25 चेकबुक आपको मिलेगा जिसमें 25 चेक होंगे वो फ्री होगा, ठीक है। फ्री डेबिट कार्ड इशूंस, डेबिट कार्ड अगर आप इशू करवाते हैं तो वो भी फ्री है जनाब। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म की बात कर ले जनाब, तो जो भी अकाउंट का एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में गिर जाएगा, मतलब अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनाब यूबीएल जिंदगी अकाउंट खुलवाने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। यूबीएल की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे, किसी भी बैंक का अकाउंट हो तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी साथ लेके जाइएगा। सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर देगा, आपने साइन करना होगा जहाँ जहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में साइन करना होता, तो आप साइन कर दीजिएगा, ठीक है।
डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ही सिंपल जनाब, डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपने जमा करवाना होता है इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, अगर किसी के पेंशन आता तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता, वो भी इनकम प्रूफ है। पेंशन बुक की कॉपी दे सकता, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, उसकी कॉपी दे सकता, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने घर या दुकान रेंट पर दिया हो तो रेंट इनकम की कॉपी दे सकता, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई जॉब कर रहा तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकता है, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकता है। ठीक है, कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो। अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे तो वालिद साहब के साथ है, तो वालिद साहब 60 साल या 60 साल से ज्यादा है, उनको उनके आपने सीएनसी की कॉपी दे दी और जो इनकम प्रूफ है वो आपने अपना जमा करवा दिया, जैसे सैलरी स्लिप जमा करवा दिए, जॉब कार्ड की कॉपी जमा करवा दिए, कंपनी का लेटर जमा करवा दिए। ठीक है, तो अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है, UPL की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो दिखा दे एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दे और इनकम प्रूफ दे दे, मतलब सैलरी स्लिप की कॉपी हो या जॉब कार्ड की कॉपी है, कंपनी का लेटर है, या फिर इनकम का प्रूफ, जैसे किसी के जो है ना वो दुकान का किराया आ रहा, घर का किराया आ रहा, या फिर जो है पेंशन आ रही, तो इसलिए इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते जनाब ज़कात की, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है इस पर ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से बचने का बहुत ही आसान तरीका होता है जनाब, CZ50 का फॉर्म आता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। इस स्टेशनरी वगैरह की शॉप पे बासानी अवेलेबल होता है, वहाँ से आप कहेंगे तो 100-200 के बाउंड पेपर पे जो है वो आपको प्रिंट निकाल के दे देगा आपके आपके नाम पे और आपके बैंक के नाम पे, वो साथ साथ जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, ज़कात अंडरटेकिंग जो है वो रमज़ान से 20 दिन 25 दिन महीने भर पहले भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि जब आप अकाउंट खुलवाएं उसी वक्त जो है आप जो है ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवा दें। अच्छा जनाब, अब हम बात करेंगे कि प्रॉफिट रेट जो है वो UBL ने क्या इशू किया। ठीक है, लेटेस्ट UBL जिंदगी अकाउंट को प्रॉफिट क्या है, ठीक है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर का। ठीक है, उसके अलावा जनाब चूंकि मुनाफा हर महीने आपको मिलेगा तो उस पे कंपाउंड प्रॉफिट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं, तो कंपाउंड प्रॉफिट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के पास मुनाफा क्या होगा और उस पे टैक्स कितना कटेगा और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट है, एक मुनाफा जो हर महीने आप लोगों को मिलेगा और एक ही कंपाउंड प्रॉफिट वो कितना होगा वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दो जो दो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुनाफा कितना है और कंपाउंड प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा जनाब ये मुनाफा रेट जो है वो इस वक्त लेटेस्ट है और ये आपको दिख रहा है UBL जिंदगी अकाउंट और इसका मुनाफा रेट जो अभी करंटली है वो 18% के हिसाब से आपको मिल रहा है। इतना क्लियर यहाँ पे दिख रहा नहीं है लेकिन आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, 18% के हिसाब से ये जो है मुनाफा मिल रहा है, ये देखें क्लियर दिख जाएगा, 18% के हिसाब से इसका आपको मुनाफा मिलेगा। जैसा कि हमने आपके साथ थंबनेल पे शेयर किया कि जनाब UBL जिंदगी अकाउंट का 10 लाख पर मुनाफा कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे 18% के हिसाब से मुनाफा कितना बन रहा है, जो एक नॉर्मल मुनाफा जो हर महीने आपको मिलेगा, उसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। ठीक है, तो UBL जिंदगी अकाउंट 10 लाख का मुनाफा जो मिलेगा 18% पे, उस साल का मुनाफा बनेगा 1,80,000 रुपये का। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 10 लाख पे 15,000 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 2,250 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 12,750 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। ठीक है, 10 लाख की बात हो रही है। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, नॉन फाइलर पे जरा टैक्स थोड़ा ज़्यादा इसलिए मुनाफा कम हो जाता है, रेट तो वही 18% है और साल का मुनाफा भी वही बनेगा 10 लाख पे 1,80,000 का। ठीक है, ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बन रहा है 15,000 रुपये का। ठीक है, अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 5,250 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 9,750 रुपये का मुनाफा मिल रहा है मंथली। तो यहाँ पे आप देखेंगे जनाब UBL जिंदगी अकाउंट का जो मुनाफा है, ग्रॉस मुनाफा 10 लाख पे 15,000 रुपये महाना है और तमाम टैक्स काटने में 12,750 रुपये का मंथली मुनाफा मिलेगा 10 लाख पर। अच्छा, हम बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। सपोज करते हैं जनाब आपने 10 लाख रुपये जो है UBL जिंदगी अकाउंट में रखवाया हुआ है। ठीक है, एक महीने के बाद क्या होगा, उस पर फ़र्ज़ करते हैं कि 15,000 का मुनाफा आया, आपने कुछ भी नहीं करना जनाब, मुनाफे का अकाउंट में रहने दे। ठीक है, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 10 लाख में जो है 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो
15,000 रुपये का मुनाफा था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 15,000 का मुनाफा आया 10 लाख पे, उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने जो है फिर 15,000 का मुनाफा आएगा। और पिछले 2 महीने से जो 30,000 रुपये अकाउंट में था UBL जिंदगी अकाउंट में, उस पर भी मुनाफा आएगा। ठीक है, तो इस तरह हर महीने का मुनाफा जो है वो अकाउंट में आप रहने देंगे, तो 5-6 महीने के बाद क्या देखेंगे जनाब, जो 10 लाख की अमाउंट थी वो तकरीबन 11 लाख रुपये पहुँच चुकी। ठीक है, और इसी तरह पूरा साल भर अगर मुनाफे को नहीं निकलवाएंगे, मतलब हर महीने मुनाफा आ रहा होगा उस पर मुनाफा आ रहा होगा, मुनाफे पर मुनाफा उस पर मुनाफा, तो 1 साल तक अगर आप जो है UBL जिंदगी अकाउंट से मुनाफा नहीं निकलवाते हैं, तो तकरीबन जो है आपका जो 10 लाख का अमाउंट था वो तकरीबन 12 लाख रुपये हो जाएगा। मतलब 1 साल तक जो है ना अपने अकाउंट से अपने प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना है, तो मुनाफे रेट में जो है तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है। ठीक है, 18% से मुनाफा बढ़ जाएगा 20%, मतलब जो साल का मुनाफा मिल रहा था 1 लाख पर 10 लाख पे 1,80,000, वो हो जाएगा तकरीबन 10 लाख पे 2 लाख रुपये। ठीक है, करना क्या होता है, 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट को टच करेंगे पूरे 1 साल तक। ठीक है, लेकिन मसला ये होता है कि जनाब हमें लोग कहते हैं कि जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा तो घर जो है वो बैंकों के मुनाफे भी चलता है, मतलब बैंक का मुनाफा आता है तो घर का खर्चा चलता है, अगर हम बैंक के मुनाफे को भी यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, बैंक में री इन्वेस्ट कर देंगे, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। ठीक है, ये एक बहुत टफ है कि जनाब जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करें, मतलब पूरे साल भर जो है आप ना प्रिंसिपल अमाउंट को टच करें और ना ही प्रॉफिट अमाउंट को टच करें। ठीक है, 10 लाख की अमाउंट 12 लाख रुपए तो बन जाएगी, लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना बहुत टफ होता है, 1 साल तक आप अपने प्रिंसिपल और प्रॉफिट अमाउंट को टच ना करें। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना बहुत टफ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, मतलब बैंकों के मुनाफे को भी बैंकों में री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और इसके अलावा जो जॉब्स कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उससे जो मुनाफा बच रहा होता है, उनसे जो इनकम बच रही होती है उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं और उस पर भी मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है, साल भर मुनाफे को भी टच ना करें और प्रिंसिपल अमाउंट को भी टच ना करें। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश ही कीजिएगा कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर ले। अब एक नजर कंपाउंड प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे देख लेते हैं। ठीक है, जो आपकी अमाउंट है वो 10 लाख पे सारी कैलकुलेशन है। ठीक है, रेट 18% से बढ़कर हो जाएगा 20%, मतलब साल का मुनाफा हो जाएगा 10 लाख पे 2 लाख रुपए। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 16,667 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटे, जिसकी उम्र बननी 2,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 14,167 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। और इसी तरह बात करते जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही 20%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 2 लाख रुपये 10 लाख पे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 16,667 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बन रही है 5,833 रुपये, और टैक्स काटने पर टैक्स काटने में 10 लाख पे 10,833 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ जनाब फाइलर की, तो फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 10 लाख का आपका डिपॉजिट है और साल का मुनाफा कितना बन रहा है 2 लाख रुपये। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है 10 लाख पे 16,667 रुपये का। ठीक है, और तमाम टैक्स काटने के बाद जो मंथली मुनाफा बन रहा है आपका वो 14,167 रुपये बन रहा है 10 लाख पर। UBL जिंदगी अकाउंट बेसिकली एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कामयाब तरीन अकाउंट है। UBL बैंक में जितनी भी स्कीमें हैं सेविंग अकाउंट के हवाले से, उनमें जो सबसे ज़्यादा सरमायाकारी की जाती है उनमें जो है वो टॉप पर UBL जिंदगी अकाउंट ही आता है। जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो UBL जिंदगी अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।